ये सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं जीव नित्य है, अजय है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम, तो जो अजय होता है वो अणु नहीं हो सकता, सर्वव्यापक होता है। अच्छा, जो सनातन तत्व है वो अणु नहीं हो सकता, ये उनका तर्क है। जैसे भगवान सर्वव्यापक है तो वो अणु नहीं, वो विभू है। तो इसका मतलब जिसका प्रारंभ होता है वो अणु होता है, जो सनातन होता है वो विभू होता है। हाँ, तो क्यों जी इतना बड़ा संसार ये अणु है? ये तो एक दिन बना है ना, एक दिन संसार प्रकट हुआ है। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है। हाँ, ये तो बड़ा स्थूल है। अरे छोड़ो, ये तुम ब्रह्म हो ना, हाँ, ये तुम्हारा शरीर है ना, हाँ, ये कहाँ अणु है? ये तो स्थूल है, इतना लंबा चौड़ा। ये तुम्हारी बकवास है। अच्छा देखो, ऐसा है कि ब्रह्म जो होता है सर्वव्यापक, उसी का प्रवेश होता है किसी में और तादात्म्य होता है। तो जीव का भी प्रवेश होता है, तादात्म्य होता है इस शरीर से। शरीर मभिसंपद्यमान सवायम पुरुषो जायमान, शरीर मभिसंपद्यमान 4-3-8 बृहदारण्यकोपनिषद। इसलिए ये पॉइंट भी तुम्हारा गलत। जीव अणु है ये अनुभव भी तो कहता है। सबसे बड़ी बात, मैं और तू और ये है, ये फीलिंग है। हाँ, कि ऐसी फीलिंग है सब मैं? नहीं नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं है। सब मैं के अतिरिक्त और सब कुछ भी अनुभव में आ रहा है। तो सर्वव्यापक कहूं, अगर ये मैं जीव सर्वव्यापक होता तो मरने के बाद ये उत्क्रांति गत्या गति कैसे होती? जो वेद कह रहा है सयदास्मात् शरीराद् उत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति, और वेदांत भी कह रहा है उत्क्रांति सुषुप्त उत्क्रांति और भेदे न 1-3-43। तो जीव अणु ही है और वो सदा अणु रहता है। दूसरा पॉइंट,